हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल राजेंद्रनाथ विश्वनाथ अलंकर ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। हिमाचल के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रवि मिलिमथ ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व अन्य मंत्री मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी गोवा जैसी ही प्राकृतिक सौंदर्य है और अतिथि सद्भावना है। शपथ लेने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने कहा कि हिमाचल में आकर उन्हें खुशी हुई है और जो दायित्व उन्हें मिला है उसे वे ठीक ढंग से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग अतिथिशील हैं, जो हिमाचल और गोवा के रिश्तों को और मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोवा और हिमाचल में काफी समानता है। गोवा की मुक्ति के लिए हिमाचल के लोगों का भी योगदान रहा है। राज्यपाल ने कांगड़ा के राम सिंह का गोवा की आजादी में योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि उनके परिवार को वे ढूंढने की कोशिश करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि गोवा और हिमाचल में पर्यटन की दृष्टि से समानताएं हैं। प्रदेश सरकार की योजनाओं को सहयोग देने का वे पूरी तरह कोशिश करेंगे। आतिथ्य शील का मतलब मेहमान नवाजी। मुझे तो उतना हिंदी उतनी अच्छी आती नहीं, आशा है आप मुझे समझ कर ले लेंगे। मेरे बोलने में थोड़े से हिंदी शब्द आते हैं, उर्दू कम आते हैं। प्लीज, यहाँ की सरकार जो है, सरकार जिस तरह से सोचती है, उस सोच को और एक सपोर्ट देना, आधार देना मेरा काम है। मैं और किसी कारण यहाँ नहीं आया हूँ। शांता कुमार जी से मेरा परिचय भी है, कल शाम उनसे बात भी हुई है, उनका फोन आया था। शांता कुमार जी से हमारे पुराने वरिष्ठ नेता भी हैं। तो अभी उन्होंने जो एक हाथ कल्पना यहाँ रखी होगी, उस कल्पना को यहाँ की सरकार बढ़ावा देती रहेगी, मुझे पता नहीं, मैं तक कर लूंगा। लेकिन मुझे लगता है इस सरकार के जो प्राथमिकता के रूप से जो काम चल रहे हैं उसमें ये भी रहेगा, उसमें हमारा सहयोग रहेगा। विशेष रूप से आप राज्यपाल के तौर पर हिमाचल को किस तरह से, सरकार को किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे या सपोर्ट करना चाहेंगे, कि आपके कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे या आपकी किस तरह के कोई भाव रहेंगे? मेरे खुद के कोई मुद्दे नहीं रहेंगे। इस सरकार, मुझे यहाँ की जनता ने अपनी एक सरकार चुनकर दी है। अपने यहाँ कुछ मंत्री हैं, यहाँ मुख्यमंत्री हैं, वो सब काम करते रहे हैं। उनके मुद्दे जो हैं, उन मुद्दों को आगे लेकर जाना, उसको बढ़ावा देना, उन मुद्दों के मुताबिक उनके लिए और कुछ चाहिए सपोर्ट, उसके लिए काम करना, ये मेरा दायित्व है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे खुद के कुछ मुद्दे नहीं हैं। फिर भी यहाँ जैसे कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने भी मुझे प्रकृति के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में कुछ मुद्दे बताए हैं, उसके बारे में हम कैसा सहयोग कर सकते हैं आने वाले दिनों में बैठकर हम तय करेंगे। कुछ जो निर्माण किया है वो टकराव के लिए नहीं किया है, वो समन्वय के लिए किया है। लेकिन टकराव कब आता है? जब दोनों राज्यपाल और प्रशासन या मुख्यमंत्री एक दूसरे से अलग पटरी से खुद को समझते हैं, तब होता है। यहाँ कोई टकराव की गुंजाइश नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हुई है, फ्लैश फ्लड हुआ है, क्या स्थिति है, कितनी डेप्थ हुई है, कितने मिसिंग है? केंद्र की तरफ से एनडीआरएफ की टीम्स भी हैं, क्या रिज्यूम हो चुका है कार्य? पिछले दो दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में और विशेष तौर से धर्मशाला में, धर्मशाला का कुछ इलाका गुरशापुर के साथ में जुड़ता है, वहाँ बहुत क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, बहुत सारे मकान जो है वो ध्वस्त हुए हैं। और ये भी मुझे बताते हुए क्या कि हिमाचल प्रदेश में पिछले दो दिनों में दो लोगों की दुखद उसमें मृत्यु भी हुई है। 10 लोग कांगड़ा में उसके कारण जो है वो अभी तक उनकी तलाश जारी है।
रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। पिछले कल आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से हमारी बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद तुरंत हमने जो है एनडीआरएफ की टीम वहां पर भेजी है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन में पिछले कल से जुटी हुई है, पिछले कल से लगी हुई है और पिछले कल बारिश के कारण थोड़ी उसमें बाधा रही, कठिनाई भी रही। आज सुबह 6 बजे से शुरू दोबारा कर दिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन और मैं उम्मीद करता हूं जो लोग जो जिनके बारे में अभी तक ये माना जा रहा है कि वो नहीं मिले हैं, वो मिसिंग हैं, तो उनको निकालने के लिए जो प्रयत्न किए जा सकते हैं, प्रयास किए जा सकते हैं, उसमें वो कामयाब हुई है। उसी प्रकार से सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में भी जो हमारी गिरी नदी है उसमें 4 लोग बीच में एक टापू जैसा है जहाँ पर वो फंसे हुए सुरक्षित हैं वो, और उसके लिए भी हमने एनडीआरएफ को कम्युनिकेशन दे दिया है चंडीगढ़ के लिए कि उनको एयरलिफ्ट ही करना पड़ेगा, चारों तरफ पानी है, तो वो भी एक प्रयत्न उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का हमारा चल रहा है। मैं खुद देख रहा हूँ जैसे मौसम थोड़ा ठीक होता है उसमें खुद धर्मशाला जाने की कोशिश कर रहा हूँ इस बार सारे हालात को देख कर। देखिए एक बात तो मान करके चलिए कि बरसात के मौसम में इस प्रकार की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में जो है वो हमको फेस करनी पड़ती है, अब की बार भी फेस करनी पड़ रही है, लेकिन प्रशासन को हमने आदेश दिए हैं कि जहां भी इस प्रकार की घटना घटित होती है जितना जल्दी संभव हो सके वहां पर एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन और सड़कों को रिस्टोर करने के लिए और उसके साथ साथ में लोगों को जो बाहर से पर्यटक आए हैं विशेष तौर से जहां संभावना ज़्यादा लगती है कि इस प्रकार की घटना घटित हो सकती है, बादल फटने की, पानी में चढ़ाव आ सकता है, तो ऐसे में वहां पर जो है उनको टूरिस्ट को जाने से रोका जाए, इस बात को भी हम सुनिश्चित करने की कहा। फाइनली सर उसके अतिरिक्त इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सीरियस कंसर्न शो किया है, थर्ड वेव को लेकर अगर बहुत ज्यादा गैदरिंग होती है तो दैट वुड बी डिजास्ट्रस। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से पिछले दिनों टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ा है तो हाउ डू यू सी दिस, क्या कोई इसको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है या बरसात के बाद कम हुआ? स्वाभाविक रूप से ये चिंता का विषय तो है ही, थर्ड वेव के बारे में जो आकलन किया जा रहा है उसके बारे में हमको सावधान रहने की आवश्यकता है और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में जो टूरिस्ट आए हैं हमने पूरे प्रशासन को कहा है और प्रशासन ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है, मॉनिटरिंग और उसके साथ साथ में सारी ट्रैफिक को रेगुलेट करना, क्राउड को रेगुलेट करना, उस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि अब पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि उसका असर देखने को भी मिला है, सब लोग मास्क पहन करके भी काम कर रहे हैं और उसके साथ मास्क के साथ साथ में दूसरी बात यह है कि जो क्राउड है उस तरह से जैसे पहले देखा जा रहा था उसमें उस तरह से उसमें कमी भी आई। थैंक यू।